कानपुर में आराध्या आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद ऑपरेशन कराने वाले बुजुर्ग की आंखों की रोशनी जाने के मामले में हॉस्पिटल संचालक व एक अन्य डॉक्टर के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा हुआ दर्ज। कानपुर के शिवराजपुर गांव में लगाए गए नेत्र शिविर प्रशिक्षण के बाद किए गए इलाज में 6 बुजुर्गों की आंखों की रोशनी चली गई थी। सीएमओ ने इस पूरे मामले की जांच एसीएमओ डॉक्टर एस के सिंह को दी थी। उनकी जांच में पाया गया कि सिविल की अनुमति डॉक्टरों के द्वारा नहीं ली गई थी और न ही मरीजों की स्क्रीनिंग हुई थी और न ही सामान जांच। बावजूद शिविर का आयोजन किया गया था, डॉक्टरों की लापरवाही बरतने पर एसीएमओ डॉक्टर एस के सिंह ने हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर नीरज गुप्ता और शिविर लगवाने वाले उत्तरी पूरा निवासी दुर्गेश शुक्ला के खिलाफ बर्रा थाने में धोखाधड़ी और जीवन संकट में डालने की धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया है। इस पूरे मामले में कानपुर की दक्षिणी डीसीपी अंकिता शर्मा ने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तहरीर पर थाना बर्रा में मुकदमा दर्ज किया गया है। हॉस्पिटल संचालक ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर नीरज गुप्ता व उसके एक साथी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसकी विवेचना कानपुर की वर्णा पुलिस को दी गई है। क्या किस तरह से इस मामले में आगे गतिविधियां हो रही हैं मोतियाबिंद वाले मामले में? इसमें अंतरिम जांच रिपोर्ट कल शाम को प्राप्त हो गई, जिसके आधार पर एफआईआर करा दी गई है। जो मरीज हैं उनका इलाज मेडिकल कॉलेज में भर्ती करके चल रहा है, उनको भर्ती कर लिया गया है, उनकी जाँच हो रही है और आगे अंतरिम जाँच रिपोर्ट मिल गई है और अभी जो रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट है वो कमेटी अब देगी अपनी, उसके आधार पर अगर कुछ और चीज़ें की जाएंगी तो वो भी की जाएंगी, जो भी नियम संबंध कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। पैसे लेने का मामला भी निकल के सामने आ रहा है, कुछ पैसे लिए गए थे मरीजों से? हाँ, अंतरिम रिपोर्ट में ये बात आई है सामने कि सरकारी कैंप के नाम का दुरुपयोग करते हुए पैसे लिए गए हैं, तो इसीलिए FIR की गई है इस संबंध में। आगे जो व्यापक रिपोर्ट जब फाइनल आएगी तो उसमें अगर कुछ और चीज़ें कुछ और तथ्य प्रकाश में आएंगे तो उसके अनुसार नियम सरकार।